आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसका जिक्र मैं अक्सर जितने भी मोटिवेशन वीडियो बनाता हूं उसमें इस बात का जिक्र मैं हमेशा करता हूं। और आप सभी जो आज की डेट में रामायण देख रहे हैं ना, वो बस इंटरटेनमेंट के लिए मत देखिए कि लॉकडाउन है तो आपको समय काटना है कैसे भी कर। इस मकसद से तो रामायण बिल्कुल नहीं देखना है, आपको वहां से कुछ सीखना भी है ताकि आप उस चीज को जीवन में उतार पाए। ठीक है, आप सभी को पता है जो राम जी है वो क्या है, भगवान थे, विष्णु का क्या थे, अवतार थे। तो वो जब मानव रूपी में जन्म लिए भगवान राम बनकर, तो कहीं ना कहीं जितने भी पीढ़ी है, जितने भी इंसान है जो जन्म लेने वाले हैं, उनको बहुत कुछ शिक्षा देकर गए ताकि वो इस चीज से बहुत कुछ सीख पाए। तो आज रामायण में एक एपिसोड चल रहा था, वहां पर क्या दिखाता है आप सभी को, आपने देखा होगा बहुत ध्यान से। मैं अक्सर बोलता हूं स्टार्टिंग से, जब मैं मोटिवेशन वीडियो बनाता हूं, कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। आप पहले एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजार बार सोचो कि आपको करना क्या है करने से पहले। और जब एक बार अच्छे से डिसाइड कर लो तो उसके प्रति जो है वो 100% अपना फोकस के साथ काम करना स्टार्ट करिए, ताकि बीच रास्ता में से आपको लौटना ना पड़े। ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप कोई काम करने से पहले एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजार बार सोचे हैं तो उस काम को पूरा करके ही लौटना है, वो भी 100% फोकस के साथ। आपका टारगेट एक होना चाहिए कि आपको वही काम करना है। ठीक है, आप देखो मैं हमेशा क्या बोलता हूं, 80% लोग 100 में से ना 80% लोग अपने सपने का दम कहां तोड़ देते हैं, वो दम वहां पर तोड़ देते हैं। यानी डिसाइड तो करते हैं कि मुझे लाइफ में करना क्या है, वो सोचते जरूर है, लेकिन काम करना स्टार्ट करते हैं बीच में क्या होता है, बीच में ये होता है उनके साथ ना कि अगल बगल परिवार, रिलेटिव, बहुत कुछ लोग, कहने का मतलब है लोग अलग अलग बातें करने लगते हैं, आपको ज्ञान देने लगते हैं, आपका मन डाइवर्ट करते हैं, ये करो वो करो क्या कर रहा है। अब ये क्या होता है, आप इनके चक्कर में फंस जाते हैं, और चक्कर में फंस कर क्या होता है, आप अपने सपने का गला घोट देते हैं। यानी आपने किया क्या, आपने कोई काम करने से पहले बहुत मोटिवेट थे, बहुत सपना देखे कि मुझे ये करना है वो करना है, और आप उस काम करना स्टार्ट किए, और बीच में लोगों का तरह तरह का बात, उनके बारे में सोच कर ना आप उस काम को करना बंद कर दिए, यानी सपना आपका वहीं पर मर गया। ऐसा 1% 2% के साथ नहीं, 80% से ज्यादा लोगों के साथ होता है। और रामायण में मुझे यही सिखाया गया है, सभी कोई को भगवान कुछ ना कुछ शिक्षा देकर ही जाते हैं ताकि आने वाले लोग रामायण से कुछ सीख सके। रामायण में क्या दिखा रहा है देखो, राम जी जनता लोगों का बात सुनकर क्या किए, सीता जी का त्याग। देखे ना क्या हुआ परिणाम, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, लव कुश जो उनके पुत्र थे वो क्या हुए, मां के बिना मां धरती में समा गई। एक्चुअल में क्या हुआ, उनका हंसता खेलता परिवार टूट गया। क्यों टूट गया, लोगों की बात सुनकर। तो यहां पर भगवान ना इनडायरेक्टली आपको ज्ञान भी दे रहे हैं। अब देखो यहां पर ना बहुत जन ज्ञान मत मांगना उल्टा कि नहीं भैया आप ये बोल रहे, भाई हमसे कट्टर हिंदू तो क्या बोलूं, मैं खुद बहुत ज्यादा कट्टर हिंदू हूं, इतना भगवान पे मैं आस्था रखता हूं। तो भगवान कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली ज्ञान दे रहे हैं कि आपको लाइफ में जो भी करना है करना, लोगों की बात मत सुनना। ठीक है, क्योंकि जितना भी दिन मिला है वो आपको पता है आपका कंडीशन कैसा है, आप कितना क्षमता है, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप ये सब सोचकर ही आप वो काम करना स्टार्ट किए हैं, तो 20 सफर में लोगों का बात सुनकर आप अपने सपने का गला क्यों घोट दे रहे हैं। ठीक है ना, लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल और दे रहे हैं ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। मान लो ना एक आदमी है, यहां पर एक आदमी दूर से अपना कंडीशन नहीं देख रहा है कि मेरा क्षमता कैसा है, मेरे घर में कंडीशन क्या है, ये लोगों का नेचर है। और ये चीज आपको छोड़ना है अगर जिंदगी बहुत सुखी से गुजारना है तो, ये आप मानिएगा। मान लो एक लोग है, वो दूर से क्या देख रहा है, अपने परिवार का कंडीशन, हम कैसे खुश रह सकते हैं, मेरा परिवार कैसे खुश रह सकता है, वो सब चीज नहीं देख रहा है। यानी अपने घर के कंडीशन को नहीं देख रहा है, वो क्या देख रहा है, दूर से बहुत सारे घर को देख रहा है।
बहुत सारे घर को देख रहा है, अरे वो घर कितना अच्छा है, कितने उसका वाइफ उसका बच्चा उसका परिवार कितना खुश रहता है, मेरे घर में ही प्रॉब्लम है। दूर से एक और घर देख रहा है तो वहां पर भी क्या हो रहा है, मायूस हो रहा है, अरे वो उस घर कितना बड़ा घर है, कितना अच्छा घर है, उसका फैमिली कितना खुश रहता है, मेरा नहीं है। वो सब घर को, सब जितने भी घर को देख रहा है ना इस घर के इंसान, तो वही सोच रहा है। अब ये सोचकर हो क्या रहा है, निगेटिव आ रहा है अंदर, और इसके अंदर क्या हो रहा है, परिवार टूट रहा है, खुशी नहीं मिल पा रहा है, खुशी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, ये जो है ना वो शो ऑफ है, ये सच्चाई नहीं है। जब ये इंसान ना 10 दिन इसके घर के अंदर जाएगा ना, रहेगा सही मायने में, तो देखेगा अरे यार प्रॉब्लम तो इस घर में ही है, इस घर में भी है। अच्छा यहां से निकल कर ना 10 दिन वहां टाइम बिताते हैं, जब इस घर में जाएगा देखेगा अरे प्रॉब्लम तो यहां पर भी है और हमसे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। बाहर से जो दिख रहा था सही मायने में वो है नहीं, अब यहां पर जा रहा है अरे यार इस घर में भी प्रॉब्लम है। यानी प्रॉब्लम हर जगह है, हर एक घर में। आप ये सोचो कि मेरा क्षमता कितना है, हम इतने चीज में अपने परिवार को खुश रख सकते हैं कि रह सकते हैं। आपने देखा होगा ना, अगर एक आदमी महीने का 20,000 भी कमाएगा ना तो उसको कमी लगेगा, उसका परिवार सुख नहीं रह पाएगा, उसकी बीवी अलग अलग सोचेगी इतना कम कमाते हैं ये कमाते हैं। लेकिन अगर दूसरे हिस्से को देखो तो 12,000 से 15,000 कमाने वाला लोग भी बहुत खुश है। क्या अंतर है, अंतर क्या है भैया, कि मेरा पति 20,000 कमा रहा है फिर भी मैं खुश नहीं हूं, फिर भी मुझे दूसरे से कंपेयर करना है कि वो खुश है उसका परिवार खुश है, हम लोग खुश क्यों नहीं रह पा रहे हैं भैया। लेकिन एक बार आप इनसे भी तो कंपेयर करो, ये यार 15,000 कमाता है 12,000 कमाता है लेकिन परिवार बहुत खुश है। इसका प्रॉब्लम ये है ना, सॉल्यूशन ये है, ये जो परिवार है ना 15,000 12,000 10,000 वाला, इसको अपना क्षमता पता है कि मुझे उतने में ही खुशी कहां से ढूंढना है, परिवार को कैसे चलाना है उसको पता है, वो दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहा है। कंपेयर करना, तुलना करना तो दुनिया का सबसे घटिया चीज है। अगर मान लो कोई 10,000 कमा रहा है, वो अपना खुशी त्याग कर यानी उसके पास खुशी भी होगा ना तो वो खुशी का गला घोट देगा, अब वो दूसरे से कंपेयर कर रहा है, वो 20,000 कमा रहा है उसका पति उसका परिवार, अब 20,000 वाला सोच रहा है, वो 40,000 वाला सोच रहा है कि यार विधायक कितना कमाता होगा, विधायक सोच रहा है MP सांसद कितना कमाता होगा, सांसद सोच रहा है मोदी जी कितना कमाते होंगे, तब तो दुनिया ही खत्म हो गई भाई। तो खुशी आपको हर एक पल हर एक क्षण जितना है उतने में ही काटना है, क्योंकि आप सभी को कहीं ना कहीं ये आभास होना चाहिए जीवन का सच्चाई कि 60 साल जिंदगी जीना है और बहुत खूबसूरती के साथ जीना है, इसी में खुश रहकर जीना है, ताकि जीवन के अंतिम पल क्षण पर जब हॉस्पिटल के बेड में रहे ना तो आप प्राउडली बोल पाओ यार जिंदगी को बहुत अच्छे से जिए, यार जितने दिन भी जिए मेरे वजह से बहुत लोग खुश थे, हम भी खुश थे उतने पैसे में उतने चीज में, जिंदगी को बहुत अच्छे से जी लिए, ऐसा आपका लास्ट स्टेज में होना चाहिए। याद रखिएगा जितने भी मेरे भाई बहन हैं, अगर आपको मेहनत करना है लाइफ में सही मायने में, कोई भी तैयारी करो एग्जाम का, एग्जाम से पहले एक बार नहीं दो बार नहीं 1,000 बार सोचो कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो उस पर पूरा 100% फोकस लगाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ, सोचो मुझे 24 घंटे में कितना समय देना है, लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे नहीं सुनना है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, लोगों का बात नहीं सुनना है, मुझे पता है मेरा कितना औकात है, मैंने डिसीजन क्यों लिया, मुझे आगे क्या करना है, लोग के बोलने पर अपना डिसीजन चेंज कर देंगे, लोगों को देखकर अपने परिवार का खुशी क्या है गला घोट देंगे। ये आपको सोचना है, रामायण बहुत बड़ा सीख देकर गया है, अगर आप रामायण देख रहे हैं तो ये सब चीज अपने जीवन में उतारिए। खुशी बहुत दूर नहीं है, खुशी बहुत सामने, अगल बगल खुशी है यार, आ जाएगा खुशी, ठीक है। चलो आप सभी, और हाँ एक बात और, मैथ का क्लास चल रहा है ना 2 दिन से शाम को 6 बजे वाला, तीसरा क्लास भी आपका शायद कल मिले, कल संडे है पता नहीं, अगर कल नहीं मिला तो मंडे को वो क्लास आपको निश्चित है कि मिलेगा ही मिलेगा, तीसरा पार्ट क्लास, 2 क्लास हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया आपको चैनल पर, उसका प्लेलिस्ट भी जो है वो मिल जाएगा। तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी करना, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना भाई जो भी है, क्योंकि आपको ये भी सोचना है ना कि जितने दिन भी माँ बाप का जीवन बच गया है उनको हर एक खुशी देना है, हर एक खुशी मतलब हर एक खुशी देना है भाई, ठीक है। एक बात याद रखिएगा यार,
पापा मम्मी कंधा पर उठाकर भगवान का दर्शन करवाए जगह जगह, लेकिन अभी एहसास होता है जीवन के कठिन पल पर जो कंधा पर उठाकर भगवान के दर्शन करवा रहे थे ना, सही मायने मेरे भगवान वही है। तो उनको हर एक खुशी देना है, ठीक है ना। ये चीज आप सोचिएगा कि हम क्या कर सकते हैं ताकि उनका बड़ा बुढ़ापा जो है वो बहुत अच्छे से कटे। अगर ऐसा सोचेंगे तो आपके साथ भी कुछ अच्छा होगा, गारंटी है। क्योंकि बोलते हैं ना हमारे हिंदू धर्म में कर्मा सब आता है एक दिन ना एक दिन, ठीक है। चलिए,